हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम एडियम एंड फ्रेजेस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कड़ी को आज फिर से आगे बढ़ाते हुए एक नए सेशन के साथ फिर से हाजिर है। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, डांस टू द ट्यून। डांस टू द ट्यून का मतलब क्या होगा? डांस टू द ट्यून, डांस करना पहली बात है ना, और ट्यून के अकॉर्डिंग डांस करना। इट मीन्स डांस हम खुद के बेस पे नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के बेस पे कर रहे हैं। मीन्स कोई हमें ऑर्डर दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आगे बात समझ में, कोई हमें कुछ बोल रहा है, हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है, डांस जब हम करते हैं तो गाना बजता है, उसके बाद जैसे जैसे गाना बजता है उसको उसकी तरह हम करने की कोशिश करते हैं। मीन्स किसी के अधीन काम करने वाली बात बन जाती है। सही है ये वाली बात, करेक्ट है। देखो, To always do what someone tells you to do. सही बात है। To always do, हमेशा करना, हमेशा करते हैं। What, जो कुछ अगला बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और यही चीज होता है, dance to the tune, tune के अकॉर्डिंग डांस करना, मतलब दूसरे के अकॉर्डिंग बात को पूरा करना। ठीक है जी। ड्रेस अप टू द नाइंस, देखो अपने आप को ड्रेस अप करना, तैयार करना, किसके लिए? नाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर की तरफ जाना। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इट मींस क्या है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? किसी को इंप्रेस करने वाली बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वियरिंग फैंसी क्लोथ्स, और जब भी कभी पार्टी में जाते हैं, किसी कहीं और जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? फैंसी क्लोथ्स पहन के जाते हैं, है ना, कोई स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन के नहीं जाते, तो क्या करते हैं? वियरिंग फैंसी क्लोथ्स। और जब फैंसी क्लोथ्स पहन रहे हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं इस कंडीशन ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम तैयार होकर जाते हैं, देखते हैं कि हाँ जी, हम ही सबसे अलग नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। अगली बात समझ में, तो ड्रेस अप टू द नाइन, नाइन अपने लेवल पे ऊपर जा रहा है, तो बस वही बात है। टू गेट इन द वे, गेट इन द वे मतलब क्या हो जाना, रास्ते में कोई चीज आ जाना, और रास्ते में अगर कोई चीज आ जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बाधा डालने वाली बात हो जाती है। सही है वाली बात। अब मेरी बात मानो, हम जैसे रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, और रास्ते में बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो क्या हो जाता है? आमतौर पे आदमी फिक्स हो जाता है, रुक जाते हैं, है ना जी। मींस क्या है, बिल्ली रास्ते में आ गई, उसको ऑब्स्ट्रक्शन माना जा रहा है, बाधा माना जा रहा है, और कुछ समय के लिए, 1-2 मिनट, 5 मिनट के लिए रुका जा रहा है। वो चीज क्या बन गई? ऑब्स्ट्रक्शन बन गई। स्पीड ब्रेकर आ जाता है, धीरे करनी पड़ती है स्पीड, है ना, और फिर वो अवरोध की तरह वाली बात, स्पीड ब्रेकर अवरोध वाली बात है ना जी। तो ऐसे कुछ अचानक से हम जा रहे हैं और एकदम से किसी ने साइकिल या स्कूटर दे दिया या बाइक लगा दी, एकदम से टक्कर हो जाएगा हमारे साथ, क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना। जा रहे थे किसी काम के लिए, अटक गई गाड़ी, हो तो ठीक है जी। चलिए आगे बात। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल का मतलब क्या होगा? टू फुट द बिल इसका मतलब क्या होगा? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हमें क्या करना है, बिल को पे करना है, बिल को चुकता करने जो वाली जो बात है उसको बोलते हैं टू फुट द बिल। ठीक है जी, ये बातें समझ आई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। एक बार से रिकैप कर लेते हैं, डांस टू द ट्यून, ट्यून के अकॉर्डिंग डांस करना, मींस किसी का अकॉर्डिंग डांस करना, अपने लेवल पे नहीं, दूसरे का फॉलो करना, जो दूसरा कहता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ड्रेस अप टू द नाइन मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश करना, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग वे से तैयार करना। कहीं पार्टी में शादी में जा रहे हैं तो वहां पे हम अपने आप को ड्रेस अप करके जाते हैं फैंसी क्लोथ्स के साथ। टू गेट इन द वे, रास्ते में कोई चीज अवरोध मान सकते हैं, बाधा मान सकते हैं, कुछ ऐसी बात है। टू फुट द बिल, टू पे द बिल। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक बार फिर से मिलते रहेंगे, नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, और कड़ी को आगे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, सेम कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और नई वीडियोस के साथ आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।